अपने परिवार से दूर ये कहाँ आ गए हो? क्या कभी मौका मिलेगा मैं वापस जाने का, अपने बीवी बच्चों से मिलने का? मेरे लिए मत दो सेठ, मेरी बीवी बच्चों के लिए दे दो, बाद में कमा के चुका दूंगा सेठ। परिवार से अलग होने का दुख तो है काका, लेकिन तसल्ली भी है, हमारे भेजे हुए पैसे से वो सुख से रह सकेंगे। अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हो उसका? सच में दिनेश बाबू, किया तो नहीं है साहब, पर सीख जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। सयानी हो गई मेरी मुनिया, आपने हम पे बहुत कृपा की है दिनेश बाबू। काका आपके पास इतना कम खाना, एक काम करो मुझसे रोटी ले लो। हाँ साहब, खाली पेट काम करना मुश्किल हो जाता है। जगन सेठ हमारे भगवान है, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। इनकी तबीयत खराब, बहुत तेज बुखार है इनको, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये सब क्या है, ऐसी बेशर्मी से क्यों पेश आते हैं ये लोग? ऐसा बर्ताव तो हमने पहली बार देखा है। हम और नहीं सहेंगे, जाके जगन सेठ को बुलाओ। सेठ यहाँ हम अपना पेट भर के क्या करेंगे, अगर हमारा परिवार ही वहाँ भूखा है तो ये दोनों हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इनकी तबीयत खराब, इनको हमारी जरूरत। जानवर नहीं था सेठ, इंसान था, इसका भी अपना परिवार था। खरीदा है मतलब, हम कोई भेड़ या बकरी है सेठ जो हमें थाम थाम में खरीदा है? नाक तक कर्जे में डूबे हुए, और शायद भगवान की यही इच्छा हो। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मेरे गांव से होता हुआ जा रहा है ट्रक। हम तो आजाद हो चुके हैं जगन सेठ, अब कैद होने की बारी तुम्हारी है, हम सबको मिल के काम करना होगा। मेरी जय जयकार मत करो, अपनी जय करो। मजदूर भोला होता है,